एक बार की बात है, एक बार जंगल का शेर बीमार पड़ गया था। उसके बाद उसके साथ उसका चमचा गीदड़ रहता था। शेर ने जो भी शिकार करता था उसे गीदड़ को लास्ट में कुछ मांस दे देते थे जो गीदड़ खाते थे। तो शेर को अचानक बीमार पड़ा और वो कमज़ोर हो चुका था। इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि गीदड़ और शेर दोनों भूखा मरने लगा। एक बार गीदड़ ने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, वनराज अगर इसी तरह रही तो हम दोनों एक न एक दिन मर ही जाएंगे। तो शेर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझ में अभी बहुत ताकत बची है, इसीलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तुम एक काम करना, किसी भी जानवर को फंसा के भूला फुसला कर मेरे सामने ले आना। उसके बाद मुझ में इतनी ताकत बची है कि मैं एक ही पंजे की मार से उसे जान से मार सकता हूँ और हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। गीदड़ को उसकी बात बहुत अच्छा लगा। अब गीदड़ धीरे धीरे एक गांव की ओर बढ़ा और वहाँ पे देख रहा है कि एक गधा हरी हरी घास को खा रहा है। लोमड़ी उस गधे को देख के बहुत खुश हुआ, कहा कि ये बहुत ही बड़ा शिकार है, मज़ा आ जाएगा, चलो इस गधे को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। लोमड़ी गधे के पास पहुंचा। लोमड़ी था चालाक, उन्होंने कहा गधे को कि गधा, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो और सुशील हो, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? और क्या यहाँ हरे हरे घास के चक्कर में तुम झूठा खड़े हो? यहाँ तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरता होगा, ये तो बहुत छोटे छोटे घास है, चलो मैं तुम्हें ले चलूँगा, वहाँ बहुत बड़े बड़े और हरे हरे घास है, हम दोनों साथ में रहेंगे। लोमड़ी की प्यार भरी बातों से गधा फंस गया और उन्होंने कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम पे भरोसा करूँगा, चलो तुम कहाँ ले चलोगे मुझे, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुआ और दोनों वहाँ से चल दिए। लोमड़ी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इस गुफा को पार करते ही हमें वहाँ पे बहुत सारे हरी भरी घास मिलेंगे और हम इसी गुफा में रहते हैं। तो गधे ने सोचा दोनों साथ मिलकर रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही गुफा के अंदर गया, गुफा में छुपा जख्मी शेर उन पे हमला करने गया, तब तक गधा भाग गया वहाँ से और इतनी दौड़ लगाई कि वापस उसी जगह पे चला गया। इधर लोमड़ी बहुत गुस्से हुए शेर से, कहा वनराज आप तो सिर्फ मुंह से कहते हो, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इधर शेर ने कहा कि ऐसी बातें नहीं है, मैं उसे झपट्टा मार ही रहा था तब तक वो भाग खड़ा हुआ। ऐसे में लोमड़ी के मन में उदासी छा गई और उन्होंने कहा कि अब हम दोनों को मौत से कोई नहीं बचा सकता, भूखा मरना पड़ेगा हमें, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इधर कुछ दिन बाद ठीक उसी गधे को एक तेंदुए ने मारा, तेंदुए ने शिकार किया। इधर लोमड़ी ने उसे देखकर शेर के पास गया और कहा वनराज एक गधे को एक तेंदुए ने मारा है, आप चाहो तो उससे शिकार छीन भी सकते हो, अब तो आपका तबीयत सुधर गया है पहले से। इसे सुनकर शेर और लोमड़ी तुरंत वहां पहुंचा जहां गधे को मारा गया था तेंदुआ ने। अब तेंदुआ से शिकार शेर छीन लिया और दोनों बड़ी मज़े से खाने लगा। इसी तरह से ये दोनों भूखे मरने से बच गए।